नमस्कार, आवाज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर है बीकानेर जिले के पुगल से, जहां गुंडागर्दी का राज सरेआम चलता हुआ नजर आ रहा है। हमारी संवाददाता ने पीड़ित से बात की, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आई20 में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त पुगल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खड़ी हूँ। यहाँ जो है ये आपका सुना धन्य सिंह है, ये शराब के ठेके पे काम करते हैं। रात को 10 बजे कुछ हमलावर आए, यानी दो हमलावर आए और उन पे हमला किया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इतना ये है, इनका खून जो है वो निकल गया। कैसे बार बार पे लकड़ी थी, एक के पास है कुवाड़ी थी, लकड़ी थी कुवाड़ी थी, उन पे हमला किया। सर पे 12 टांके आए हैं, पुगल हॉस्पिटल में ये एडमिट है। ये है जो मौके पे आए और उनको बचाने की कोशिश की। कितनी चोट है इनको? चोट है इनको बहुत, इनके 12 टांके आए हैं। तो कल रात को 8 बजे दुकान बंद करके सोए हुए थे, आगे 10:30-11 बजे दो बंदे आए, उन्होंने लाठी से हमला बोल के इनको ये बेहोश हो गए थे। उसके बाद चाबी छीन के दुकान के अंदर कोई माल सामान था उसको उधर उधर पटका पट्टी करके गले के अंदर जो पैसे थे वो लेके फरार हो गए। कितने रुपए थे? 15,000 रुपये थे। और इन दुकान का मालिक जो लक्जी थे वो आए तो उनके ऊपर 2 घाव हुए लकड़ी से, और उधर पास में कोई 2 खेतों में और लोग थे वो आए तब वो भाग गए। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस मौके पे 2 बार गई थी और वहाँ मुलजिम थे वो फरार हो गए, बाकी अभी पुलिस वहाँ जाने वाली है। दोबारा पुगल में जैसे कि हम देख पा रहे हैं दिनों दिन गुंडागर्दी है, वो बढ़ती जा रही है। ये है जो पैरों से विकलांग है, ये क्या बचाव करते? बचाव करने का इनके पास कोई साधन ही नहीं है, पैर ही नहीं है इनके पास, विकलांग है। आप नींदों में थे? नींद में थे, काफ़ी चोट आई है ये देख पा रहे हैं। ये सब आप क्या कहते हैं? आपका साला ये अन्याय हुआ हमारे से, और क्या पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो कार्रवाई कर रही है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन गुंडे हैं वो अभी तक पकड़ में नहीं आए। प्रशासन से निवेदन है कि थोड़ी कार्रवाई है वो बढ़ाई जाए, और जैसे इनके ये विकलांग है इन पे अत्याचार जो हो रहा है, विकलांग हो चाहे कोई भी हो, किसी पे अत्याचार हो उन पे रोक लगाई जाए। आई20